हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडीज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में फ्रेंड्स आपका, जैसे कि हाईकोर्ट का डिसीजन आप जो है अनाउंस कर दिया गया है 29 मार्च को, और आज जो है वो शासन स्तर की मीटिंग होनी थी 30 मार्च को। तो क्या क्या इस मीटिंग में हुआ है फ्रेंड्स इसमें, या फिर अभी तक जो है ये मीटिंग कन्फर्म नहीं हो पाई है, तो देखिए इस वीडियो में यहाँ पर सबसे चर्चा करेंगे। कुछ मैसेज फ्रेंड इस प्रकार के भी वायरल हो रहे हैं कि शासन स्तर में जो है वो ऐसा आदेश दिया है कि 40 और 45 पर ही जो है सरकार भर्ती कराए, ठीक है। तो ऐसे जो है आपके पास भी SMS आए होंगे WhatsApp पर, तो मैं आपको यहां पर बता दूं फ्रेंड्स, जो WhatsApp पर SMS वायरल हो रहा है वो पूरी तरह फेक है, क्योंकि उनमें जिन अफसरों के नाम दिए गए हैं वो अफसर अब इस भर्ती प्रक्रिया में की समिति में वो है ही नहीं, ठीक है। वो अफसर जो है पहले ही इन भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया गया है, और अब जो है भर्ती प्रक्रिया में एक लेडीज़ हैं जिन्हें हर आदमी जानता है वो पक्के भ्रष्टाचारी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, यहाँ पर BTC और BED वालों की मैं पहले ही बता चुका हूँ कितने पे जो है वो कितने लोग सेव होते हैं। यदि आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पर आज शासन स्तर की मीटिंग होनी थी, लेकिन इस ये मीटिंग जो है वो अभी तक जो है वो नहीं हो पाई है फ्रेंड, कंफर्म नहीं हो पाई है। और इस मीटिंग में से अभी तक कोई भी न्यूज़ यहाँ पर पब्लिश आपको नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो जितना बार आपका जो है ये व्हाट्सअप पर चल रहा है, ये सब कुछ फेक जो चल रहा है, इससे आप जो है बचकर रहिएगा, बिल्कुल इरिटेट मत होइएगा। और जितने लोग जो है यहाँ पर फ्रेंड्स क्वालिफाई कर गए हैं उनके लिए जो है बहुत सारे लोग खुशी मना रहे हैं इसकी जो है, और बहुत सारे लोग को यहाँ पर अपना जो है वो कन्फर्म डाउटेशन भी है। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर इस सेशन में इसलिए वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ फ्रेंड्स। जो भी आपका डाउट है फ्रेंड आपको इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में आपका जो भी आपका वो हो कमेंट होगा हम आपका जो है तुरंत रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। आप हमें जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ फ्रेंड सारी अफवाहों से बचकर रहिएगा। मैंने आपको पहले ही एक वीडियो यहाँ पर बनाकर दे दिया है आपका जो है आज के, और डाउट का मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले ही सोल्यूशन कर दिया है आपका, आपके सभी क्वेश्चंस का। फिर भी आपके बहुत सारे डाउट मेरे पास फ्रेंड आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, व्हाट्सअप आ रहे हैं, फिर भी आपके जो भी डाउट्स हैं आप जो हमें नीचे जो है इस बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दूंगा आपको। देखिए फ्रेंड, इससे पहले हमने आपको एक वीडियो दिया था यही वाला कि आपके इतने स्कोर यदि हैं तो आपका जो है वो आप सेफ हैं या फिर नहीं है, ठीक है। सरकार के शासन आदेश का इंतजार, जिसकी आपकी मीटिंग होनी थी वो अभी तक मीटिंग नहीं हो पाई है। रिजल्ट और आंसर की के बारे में आपको बताया था फ्रेंड, ये तो थोड़ा प्रोसेस जो है वो लंबा खिंच सकता है, क्योंकि 3 महीने का कोर्ट ने जो यहाँ पर वादा किया है कि 3 महीने में सरकार जो यहाँ पर भर्ती कराए, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर जो है सरकार ये कह सकती है कि 3 महीने अभी आचार संहिता का हवाला देने के बाद में 3 महीने का टाइम सरकार भी यहाँ पर गला सकती है। तो ये लंबी जो है भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। और फ्रेंड एक बार सरकार के पास विकल्प ये भी है, सरकार और BED वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके पास ये भी विकल्प है कि वो मामला बड़ी बेंच तक ले जाएं, ठीक है, यानी कि वो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। तो यदि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो फ्रेंड ये जो है ये भर्ती प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा खलल पड़ जाएगा और इसका प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड इससे आप याद रखिएगा, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी अभी तक जो है न्यूज़ है वो पब्लिश नहीं हो पाई है। जैसे ही कोई न्यूज़ पब्लिश होती है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे, को तो किसी भी अफवाह में मत आइएगा, बिल्कुल रिटेट आपको होने की आपको जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए है आपको बताया है, जो भी आपको क्वेश्चन हो आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।